भाजपा नेता सुरेश साव ने शुक्रवार को अपने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला और झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कब्जा हुए जमीनों के भुक्तभोगियों को भी इन्होंने साथ रखा था। बताया गया कि पचम्बा बस डिपो जमीन विवाद से जुड़े सुरेश गुप्ता और फलोहा सिंह, विवादित जमीन राधा कृष्ण ट्रस्ट के राम सुरेश ओझा, उदनाबाद पंचायत जमीनी मामला सीताराम मरिक, मोहनपुर पंचायत धावा पहरी के कोलेश्वर हजाम सहित जिन्होंने अपने जमीन संबंधित मामले का आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिया था, सभी अपने अपने दुखड़ा सुनाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे। वहीं भाजपा नेता सुरेश साहू ने बताया कि सत्ता के नशे में चूर सदर विधायक ने बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का दावा किया है। इसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सप्ताह के अंदर बाबूलाल मरांडी पर किए गए केस वापस नहीं लेती है तो हेमंत सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। आज गिरिडीह में किस तरह से जमीन की लूट हो रही है, यहाँ के भूमाफिया लोग और कुछ उद्योगपति सत्ता के संरक्षण में सब खेल कर रहे हैं, उसी के तहत आप एक राजेंद्र नगर का मामला है जो कृष्ण राधा ट्रस्ट का जमीन है, वो मामला है जिसको कि भगवान का जमीन है, राधा कृष्ण का जमीन है, उसको भूमाफिया लोग कब्जा करना चाहते हैं। एक वो है, दूसरा है एक उदनाबाद का मामला है, सीताराम मरीक का जमीन तो शिवम रोलिंग मिल के मालिक शिव कुमार अग्रवाल के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है, एक वो मामला है, और एक तुरुकटिहा में कोलेसर हजाम हैं, उनके जमीन को सलूजा स्टील के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया। फिर एक विवेक कुमार सिन्हा हैं विश्वास टी के, वो एग्रो राइस मिल के मालिक जो आदित्य मुंडरा हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है। और एक जमीन है बरवाटी में जो प्रदीप सिंह के दादाजी के नाम पे, उसके जमीन को भी कुछ भूमाफिया लोगों ने कब्जा किया। ये तमाम जो जमीन संबंधित मामला, ये सारे सभी मामला को लेकर के बाबूलाल मरांडी को आवेदन दिया गया और इस पर इसको संज्ञान में लेते हुए बाबूलाल जी ने सरकार को पत्र लिखा है जांच के लिए। अब आप बताइए, पिछले दिनों पचम्बा की जमीन का इसी तरह का मामला बाबूलाल जी के संज्ञान में है और आवेदक कर्ता जो है सुरेश प्रसाद गुप्ता और लोहा सिंह, उन्होंने आवेदन दिया और वहाँ के सैकड़ों ग्रामीण ने भी आवेदन दिया और उसी आवेदन का कॉपी बाबूलाल जी को दिया और बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। अब आप बताइए कि जो जनता की समस्या है, जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? जनता की सुख दर्द में, सुख दुख में शामिल होने के लिए होते हैं, जनता की समस्या को सुलझाने के लिए होते हैं। अगर हम ये काम भी ना करें तो आखिर क्या करें, जनता किस लिए चुनेगी? यहाँ के विधायक जी जो हैं पता नहीं सत्ता के नशे में कितना चूर हैं, वो जब ये सब समस्या को लेकर के हम पत्र लिखते हैं, बाबूलाल जी पत्र लिखते हैं तो ये तमतमा जाते हैं और सत्ता का ध्वज दिखा करके तुरंत मनहानि का नोटिस भेजते हैं। लेकिन इनके मनहानि के नोटिस भेजने से कोई डरने वाला नहीं है, हमने किसी की मनहानि नहीं की। अगर आप अपना नोटिस वापस एक सप्ताह के अंदर नहीं लेते हैं तो हम आप पर आपराधिक मुकदमा